राम राम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सुबह का 7:20 हो चुका है। हमारे नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी फिलहाल हम लोग उठ के जगे हैं। सारा नाइट पानी पड़ा, सारा अभी तक पानी पड़ रहा है, ठीक ना। देखिए पानी पड़ रहा, बहुत पानी पड़ा। और देखिए बादल आसमान में एकदम चल रहे हैं। मौसम बड़ा सुहाना है, अच्छा लग रहा है। और गाड़ी हम लोग का गई नहीं, खाली करने खड़ी है। देखिए और दो गाड़ी आ गई, 6 गाड़ी आ गई यहाँ पे कोयला वाली। और वो दो गाड़ी का भी सूचना अभी आया नहीं है कि खाली हुआ या नहीं हुआ। तो अभी एक टैंकर वाले आए तो उन्होंने बोले, तो बोले कि 9 बजे के बाद में गाड़ी सही जाती है, एंट्री होता है इनका। कहे कि हम लोग प्लान तो गए नहीं, कहे कि यहीं रोक के रखा हुआ है इसकी वजह से। तो अब यही लोग बताएंगे सूचना, जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ रहते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना बढ़िया बेहतरीन, इतना अच्छा लग रहा है, क्या बता सकते हैं। लगता है कि बादल सटे हुए हैं। और वो पहाड़ है ना, वो पहाड़ पे मकान बना हुआ है, गांव है वो। देखिए दिख रहा है हम लोग का, खैर आप लोग का नहीं दिखेगा, लेकिन पहाड़ पे मकान बना हुआ है, फैक्ट्री के जो बगल में पहाड़ है। और यही रोड है, देखिए यही रोड, और 7 किलोमीटर में जाके रोड ये खत्म हो जाता है। इसके आगे कहीं के इसके आगे यही जा नहीं सकते, पहाड़ी लग जाता है, गांव है, बस एंडिंग है, वहीं से फिर वापस आना पड़ता है। तो हम लोग सोचिए कि पहाड़ के चारों तरफ के घेरे हम लोग घेरे हुए में खड़े हैं, ठीक ना। देखिए नजारा कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए अब तो जगह है, अब टाइम होने दीजिए। उसके बाद में अब पानी भी पड़ रहा है, इस पानी में भी हम लोग भी क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और राशन पानी हम लेके आए थे किन के, देखिए चलेगा सादे भोजन तक, अभी तक सब्जी तो है नहीं। आलू है कि नहीं बाबू? आलू है थोड़ा, आलू है थोड़ा बहुत, बाकी दाल भी होगा, चावल भी होगा, आटा भी है, उसी के बनाया जाए। देखिए आज क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हम लोग बरस करेंगे। अभी अभी आ गए हम गेट के पास, गए थे तो चाय भी पिए और पूछे कि भाई खाली खुली कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है। तो उन्होंने बोले कि गाड़ी लेके आइए, से यहाँ पे लगाइए पंप, वहाँ पे लगा के एंट्री करा के फिर घुसाना है। तो टाइम बच गया हम लोग का, 9:20 हो गया। तो चलिए चलते हैं, खाली करते हैं। बारिश भी बहुत पड़ रहा है यहाँ पे, अच्छा बारिश हो रहा है। देखिए दोस्तों, हम लोग कंपनी पास पहुंच गए हैं, और ये कंपनी का पेट्रोल पंप है, और हम लोग को अंदर बुलाया जा रहा है, गाड़ी खाली करवाएंगे। और ये कंपनी अभी बंद है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है, क्योंकि अभी सीजन नहीं है पूरा। देखिए आगे से ही रास्ता है, हम लोग अभी जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अपना गाड़ी का तिरपाल पूरा बढ़िया तरीके से खुल गया रास्ता भी, और हमारा गाड़ी अनलोडिंग पॉइंट पे लग गया है, और गाड़ी खाली होना शुरू हो चुका है। अभी रास्ता बना रहा है ट्रैक्टर, अभी गाड़ी के अंदर ढुकेगा के बाद अपना गाड़ी खाली हो जाएगा। और एक जो यहाँ के जो हेड हैं वो बोले आप लोग कब आए कल, तो हम लोग बोले 11 बजे। बोले आप लोग को बताना चाहिए था ना, आप लोग कल ही गाड़ी खाली हो जाता, लेकिन गार्ड साहब बोले थे कि अभी नहीं जाने, दो गाड़ी खाली नहीं हुआ ऐसा बोल के, तो उनको भी मिस्टेक हो गया था थोड़ा। तो आज अपना गाड़ी खाली हो रहा है, देख सकते हैं, और यही सेट के अंदर खाली हो रहा है, पूरा माल स्टॉक किया जाता है, फिर सीजन में यूज होता है। देखिए दोस्तों, पहाड़ के बगल में ही कंपनी है, और हमारा से ज़्यादा दूर नहीं है पहाड़, मान तो पहाड़े पर है, इसको कटिंग करके बनाया गया है। अब पूरा जोरों से हवा चल रहा है, इधर हमेशा पानी ही पड़ रहा है, कभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और मोर का आवाज बहुत आ रहा है इधर से जंगल से, सुनने में थोड़ा साउंड बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारा गाड़ी खाली हो गया दोस्तों, और हमारे हाथ में झाड़ू है, और हमारे गाड़ी में कोयला लोड था ना, पूरा गंदा है फर्श, तो कोई माल नहीं देगा बढ़िया माल, तो इसीलिए झाड़ू मार के इसको कहीं धुलाना भी पड़ेगा सर्विस सेंटर में। तो अभी हम झाड़ू मार रहे हैं। दोपहर के 1:30 हो चुका है, और हमारी गाड़ी खाली हो गई आधा पौन घंटा पहले। तो हम लोग सफाई कर रहे थे, झाड़ू भी मारते, और ट्रक मेरा खाली हो गया, रेडी हो गया, यहाँ माल ड्राइवरी हम दे चुके हैं, और फिर हम लोग का लोडिंग करना होगा। तो कुछ हमारे ड्राइवर भाई हैं जो आए हुए हैं यहाँ कंपनी में, वो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, और हमारे ब्लॉग देखते हैं, तो बोले बहुत, देखिए अब सामने खड़े हैं। और कैसे भैया? हाँ समझिए, तो बढ़िया से सावधानी से गाड़ी चलाइएगा आप लोग, बढ़िया से है कि नहीं, और आशा चलिएगा, ठीक ना, आराम आराम से प्यार से,
तो चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग का मिलकर बड़ा खुशी हुआ। बस इसी तरह आप लोग चलते रहिए, मिलते रहे, जुलते रहे और प्यार बांटते रहिए, है कि नहीं। और देखिए पहाड़ी का नजारा कैसा है, बगल में देखिए पूरा पहाड़ी है, पहाड़ी है। और हम लोग पहाड़ी के पास आ गए, दूर में थे कल, आज कंपनी के बगल में ही पहाड़ी है। और पहाड़ी का आप लोग देखे होंगे आज का ब्लॉग में, कल जो डालेंगे देखेंगे, और वही पहाड़ी है। और इधर मकान भी है, घर बना हुआ ऊपर में। देखिए दोस्तों ये बूंदिया और सेवई है, बगल में कैंटीन था तो पापा लाए थे, हम अभी खा रहे हैं इसको, खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब पापा चले गए कांटा कराने के लिए, हमारा कांटा होके बिल्टी मिल चुका है, अब जा रहे हैं स्टोर में इसको जमा करेंगे, फिर हम लोग का रिसीविंग मिलेगा, फिर यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे। देखिए दोनों गाड़ी का यहाँ है पेपर, जा रहे हैं स्टोर में, ठीक है। हम लोग गाड़ी खाली हो गया, अब हम लोग निकल गए गेट से, और देखिए यही कंपनी है, गेट से निकल रहे, एक अपना गाड़ी भी निकल रहा है, और पानी भी हो रहा है बढ़िया। दोपहर के 3 बज चुका है और हम लोग का गाड़ी खाली हो गया, कांटा वाटा भी हो गया, रिसीविंग भी मिल गया हम लोग का। तो हम लोग गाड़ी खाली करने में व्यस्त थे, है ना, चारों तरफ में इधर खाली करना है, झाड़ू पोछा सब करना है, माल खाली करना, बताना पड़ता था कि देखना भाई गाड़ी में लगे नहीं कहीं, है कि नहीं। तो इसके वजह से, और ट्रैक्टर घुस के खाली कर रहा था, तो रात वाला टाका बचा हुआ है रोटी, तो हम लोग करते हैं इसी को भोजन, थोड़ा चावल चावल भी है, और नाश्ता उसे कुछ किए थे हम लोग इसलिए, और मौसम ठंडा है ना इसलिए हम लोग का भूख नहीं लगा, और रात में खा लिए थोड़ा सा हम लोग। तो चलिए भोजन करते हैं, तो जय मानपूर्णा। चलिए बाबू, लेकिन जो बोले टेस्टी तड़का बना था एकदम, चंद्र बाबू नहीं राजमा, चंद्र बाबू नहीं खाए थे, सो गए थे नींद में थे, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, मत खाइए भाई, अभी अफसोस कर रहे हैं। 3:40 हो गया है और हम लोग बगल में ही गेट के बाहर में एक छोटा मोटा बेचारे अपना होटल है, तो यहीं पे हम लोग चाय पीने के लिए, सुबह भी हम आए थे चाय पीने के लिए, फिर गाड़ी लेके जा रहे थे, कुछ टाइम हम चाय पिए, और यहाँ हम चाय कटोरी में मांगे, तो दोबर डबल चाय हम लोग का है। और बहुत ही सुंदर देखिए ना बना हुआ है, इतना बढ़िया सेट का बना हुआ है, और लोहे का पूरा मतलब इसमें दिया हुआ है चाइनल, और बहुत ही सुंदर लग रहा, अच्छा लग रहा है। चलिए हम चाय पीते हैं, ज्योति भाई भी साथ में है, और हम लोग का बड़ा बढ़िया कागज, देखिए आदमी साथ में रहने के बाद में अच्छा लगता है। तो ये अकेला है, हम लोग दो आदमी हैं, और चलते हैं, बड़ा बढ़िया जोड़ी हम लोग का लग गया है, और खाना पीना बनाते खाते हैं साथ में, अच्छा लगता है। और अकेला अकेला आदमी को थोड़ा मन जो है ना विचलित होता है, ठीक ना, और ऐसे टाइम पास हो जाता है हम लोग का, एक दूसरे को हम लोग मिलजुल कर अपना काम कर लेते हैं। तो चाय पीते हैं, अच्छा चाय बना है, बहुत बढ़िया चाय बना है। अभी हम देखिए मूंग दाल निकाले हैं, खाड़ा मूंग है, इसको तड़का बनाएंगे, तो इसको उबालते हैं, और उसी तरह जैसे तड़का बनता है चना दाल का, उड़द दाल का, राजमा, और उससे बेहतरीन उसी तरह बनेगा, सब आइटम डलाएगा, और बहुत अच्छा लगता है मीठा खाने में। तो ठीक है बनाते हैं और धोते हैं इसमें। मूंग दाल को देखिए हम लोग उबाल दिए हैं, और कितना बढ़िया उबल गया है, पक के एकदम फट गया है, और ये तेल डाल दिए, थोड़ा इसमें जीरा डालते हैं, जीरा डाल दिए, और इसमें प्याज डाल देते हैं, प्याज डाल दिए लगाने के लिए, थोड़ा भून लेते हैं, और भूनने के बाद फिर डालेंगे मसाला हल्का फुल्का। लहसुन का हमने देखिए जब से खलाया है ना, तो कोई कोई में कूट के डालते हैं, नहीं तो खड़े डालते हैं, तो पेस्ट कूट दिए हैं, और देखिए डाल दे रहे हैं इसमें, कूट दे रहे हैं, थोड़ा मिल जाता है, बारीक हो जाता है, अच्छा लगता है, सेंट बड़ी भी जोड़ आता है क्या पापा, खुशबू बहुत अच्छा है, खुशबू बहुत आता है, अच्छा आता है। और देखिए चला रहे हैं हम, मिला दे इसको बढ़िया से अच्छी तरीके से, और बदल बदल के कोई चीज बनाना चाहिए, ठीक ना। तो रखते हैं कोई सा सामान, तो रखा हुआ था हम बोले चला खड़ा भूल के तड़का बनाते हैं उबाल के, फायदेमंद चीज भी है क्या, फायदेमंद चीज है, मूंग को भिगो को भी खाया जाता है, बहुत अच्छा फायदा करता है, बढ़िया चीज है, अच्छा है। देखिए इसको अच्छा से भून देते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा मसाला डालेंगे इसमें, ये देखिए जल गया, भुजा गया मेरा, अब इसमें ज्यादा भूजेगा तो स्वाद बिगड़ जाएगा, इसलिए अब इसमें डाल दे रहे हम, ये खल में घोल दिए मसाला, मसाला मसाला डाल के मिला देते हैं, थोड़ा लग जाता है हल्का, उसके बाद में डालेंगे तड़का को। देखिए मसाला भुजा गया, तड़का मेरा लग गया मस्त, देख सकते हैं आप लोग, अब इसमें धीरे धीरे दाल डालते हैं। चलिए इसको मिला देते हैं अच्छी ढंग से,
बढ़िया से एकदम मस्त हो गया, एकदम खोलेगा तो मस्त हो जाएगा। खोल लेते हैं। हाँ, लड़का मेरा बन के रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर बन गया। अब इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं कस्तूरी मेथी, ये और थोड़ा लाजवाब हो जाएगा, बहुत सुंदर लगेगा और स्वाद लगा खाने में। ये देखिए मेरा कस्तूरी मेथी डाल के मिला दे रहा है, देख सकते हैं आप लोग, डाल दिए। और इसे सेंट और खुशबू बहुत अच्छा आता है, कहे कि धनिया पता तो है नहीं अपने पास में, तो उससे बढ़िया बेस्ट कस्तूरी मेथी। 11:20 हो चुका है और देखिए हमारा तड़का निकाल दिए हैं, और उधर ज्योति भाई के भी दे दिए हम लोग, और रोटी इधर देखिए है। तो जरा सा बात ये हो गया ना हमारा कि हम लोग लेट में थोड़ा खाए थे, है ना, चावल बनाए थे तो लेट में खाए थे, तो इसलिए हम लोग थोड़ा लेट से खा रहे, तो पहले बन चुका था 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 8:30। तो चलिए भोजन करते हैं, तो जय मानपूर्णा। भोजन करके उसके बाद में चलो बोलते हैं आज नहीं खाएंगे, रात में नहीं खाते, तो बोलते हैं नहीं खाएंगे हम पापा, तो मैं ठीक है ना तो खाइए भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत मस्त बना हुआ है। जय हमारा, खाते हैं भोजन करते हैं, अभी नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं है। ऐसे भी दिन में उनको हम खिला दिए थे हाथे से अपने, कैसे लगा, क्या बात है। हेलो दोस्तों, हम लोग का खाना वाना हो गया, भोजन हम लोग कर लिए और टाइम बच गया 11:40 हो चुका है। गाड़ी भी हमारा ट्रक खाली हो गया है, ट्रक खाली करके यही पार्किंग में हम लोग खड़े हैं। अब उधर जाते हैं एनएच में, कहीं जगह मिलता नहीं मिलता, कहाँ दिक्कत हो जाता हम लोग। यहाँ व्यवस्था है पानी पूनी का भी, पार्किंग है, हवा चल रहा है ठंडा मस्त, बारिश भी हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी वजह से तो हम लोग आराम करते हैं, आराम करेंगे। और लोडिंग के प्रोग्राम शेर को बता दिए हैं, तो बोले ठीक है आप लोग रहिए, अब प्रोग्राम आएगा तो यहाँ से नेशनल हाईवे आपको 12-13 किलोमीटर है, यहाँ से जहाँ का भी होगा लगेगा 15-20 मिनट, हम लोग चले जाएंगे। तो आज का हम लोग ब्लॉग समाप्त करते हैं और कल नए ब्लॉग के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।